अनुसूची चार, इस पर आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। इंपोर्टेंट तो वैसे सारी है, लेकिन इस पर स्पेशली ये लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने कई एग्जाम में इसको रिपीट होते हुए देखा। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये अनुसूची रिपीट हो जाती है। या तो ये पूछा जाता है कि अनुसूची चार में क्या है, या फिर ये पूछा जाता है जो इसमें लिखा हुआ कि ये किस अनुसूची में है। तो अनुसूची चार बहुत महत्वपूर्ण है, रिपीट होती है बार बार। जो हमने शब्द पढ़ा था वो क्या लिखा हुआ था? आर। आर से आप याद रखेंगे राज्यसभा। आर से क्या याद रखना है? राज्यसभा। राज्यसभा की सीटों की संख्या। राज्यसभा की सीटों की संख्या राज्यवार, हर पूरी एक लिस्ट बनी हुई है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं, किस राज्य में कितनी सीटें, इस तरह की पूरी लिस्ट है, ठीक है ना? ये भी तो राज्यवार यहां पर सीटें लिखी हुई हैं। टोटल सीटें कितनी है राज्यसभा में? ये अधिकतम हो सकती है 250 हो सकती है। अभी कितनी है? 243 या 245? 245। कितनी सीटें अभी अलग अलग राज्यों में बंटी हुई है? सब राज्यों में एक समान सीटें हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग है। राजस्थान में कितनी है? 10 सीटें। सबसे ज्यादा कहां पर है? कितनी है? 31 सीटें। कितनी है? और एक एक सीटें भी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो छोटे स्टेट हैं, नागालैंड जैसे स्टेट में एक सीट भी है। अमेरिका, अमेरिका में भी दो सदन है वहां पर, इसी तरह से मान लीजिए, है ना? यहां पर रिप्रेजेंटेटिव और ये स्टेट का। लोकसभा और राज्यसभा वहां पर भी दो सदन है। लोकसभा में जो सदस्य आते हैं वो जनता सीधे चुनकर आती है। हमारे यहाँ पर जो लोकसभा में सदस्य आते हैं वो कहाँ से आती है? जनता को, जनता उनको सीधे चुनती है, वहां से आती है। दूसरा सदन हो गया राज्यसभा। हम राज्यसभा की सीटों की बात कर रहे हैं। राज्यसभा में जो सदस्य बैठते हैं, जो सांसद है राज्यसभा के, उनको कौन चुनता है? राज्यसभा सदस्य को राज्य की विधान, नाम क्या है? राज्य की सभा है, तो राज्य की विधानसभा चुनकर भेजती है। कौन भेजता है? राज्य की विधानसभा चुनकर भेजती है। यहां तक क्लियर है? अभी तो हम आगे राज्यसभा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इतना अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्यों को राज्य की विधानसभा सदस्य चुनकर भेजते हैं, जनता चुनकर नहीं भेजती है। कितनी सीट चुनेंगे? तो हमने कहा यूपी में टोटल ऐसे 31 सांसद बैठते हैं, 31 सदस्य यूपी की विधानसभा से चुनकर जाते हैं। राजस्थान से कितने जाते हैं? 10 सदस्य यहाँ पर चुनकर जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पर एक डिबेट का मुद्दा आता है, बात होती है। जैसे अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में लोकसभा जनता चुनकर उनको भेजती है। उनका जो राज्यसभा है वहां पर टोटल 50 स्टेट है, कितने राज्य हैं? और 50 राज्य, सभी राज्यों में बराबर बराबर सीटें बांट दी गई है। देखो यहां पर इसका नाम क्या है? हाँ, सीनेट, राज्यसभा, ठीक है, नाम है राज्यसभा, मतलब राज्यों की सभा। राज्यों की ये डिमांड रहती है कि हर स्टेट से, जैसे अमेरिका में सिस्टम है, अमेरिका में सिस्टम अलग है, वहां पर हर राज्य को बराबर बराबर सीटें बांट दी गई। ये कहते हुए कि अमेरिका के लिए हर राज्य बराबर है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमने लोकसभा में सदस्य भेज दिए। अब राज्यों के हिसाब से ये होना चाहिए कि हर राज्य को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए जो महत्व, हमारे लिए यूपी एक स्टेट है तो नागालैंड भी तो एक स्टेट है, तो राज्य की तुलना में उनको बराबर का महत्व मिलना चाहिए। पर भारत में जो राज्यसभा की सीटें हैं उसका भी जो सीटें होती है वो जनसंख्या के आधार पर होती है, बराबर नहीं होती है। यूएस में कैसा होता है? हर सीट में, जैसे वहां पर 50 स्टेट है तो टोटल 100 सीटें हैं, हर राज्य से 2 सीटें हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। इसकी मांग की जाती है कई बार राज्यों की। अगर हम ये मान के चले कि भारत में भी ऐसा कर दिया जाए कि यूपी से भी 2 सीटें रहेगी और नागालैंड से भी 2 सीटें रहेगी, तो क्या होगा? दोनों को बराबर महत्व मिल जाएगा, ये होगा ना? यूपी में भी 2 सीट है, नागालैंड में भी 2 सीट, ये होना ये चाहिए कि हर राज्य केंद्र के लिए बराबर होना चाहिए। पर अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी कैसा रखा गया है? जनसंख्या के आधार पर, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है सामान्यतः वहां पर सीटें